पहले सोचा था मेट्रो से आएंगे, दो से भले तीन। हमारा नया आयरन वाले को देखो, मैं कर रही थी, हाथ से छीन लिया, छीन के खुद करने लगी। बाय 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 रत्ना। वाओ, इतना पसंद है इसको। आज बहुत तेज हवा चल रही है इधर से, ये ओ एकदम बाबा। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल बस डेली मिरर। और कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह से आनू का तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वो उल्टियाँ हो रही, थोड़ा सा अनइजी सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। अभी थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही है। मुरमुरा है ना, उसको थोड़ा सा पानी में भिगो के थोड़ा सा नमक और चीनी के साथ मैंने उसको दिया है, पेट ठंडा होता है ऐसे ही बचपन से सुना है, सो वही खाया। अभी दोपहर को जस्ट अभी लंच फिनिश हुआ है, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा पतला दाल का जो ऊपर का पानी है वो, और खसखस का पेस्ट, तो ये सब खाया है उसने। अभी थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही है। कुछ दिनों से उसका एक डिमांड है, उसको लेके एक बुक शॉप में जाना है मुझे, एक बहुत बड़ा बुक शॉप है। देखो आहनु रेडी है। बाबू तेरे पास इतने सारे ड्रेस है, बस वही घुमा फिरा के क्यों पहनती है? तो ऐसे ही करती है, कॉम भी नहीं किया है। अभी मैं रेडी हो जाऊंगी, फिर उसको लेके जाऊंगी। उसको क्या बोलती हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता, कहीं पे जाऊंगी ना क्या पहनूं, उसको लेके मुझे आधा घंटा सोचना पड़ता है क्या पहनूं और कौन सा सही रहे। हम अभी ऑटो में है, जा रहे हैं। ऑटो पकड़ना जैसे कि एक बहुत बड़ा काम है। किसी ने मुझे बोला था आप ड्राइविंग करो, खुद जाओ, ऑटो के भरोसे मत रहो। बट मुझे फोर व्हीलर चलाना नहीं आता, मैं सीखूंगी, मेरा भी बहुत मन है सीखना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और स्कूटी तो मैं चलाती हूँ, लेकिन डबल कैरी मैं नहीं कर सकती ऐसे मेन रोड्स में। और बाय द वे, आना का जो टॉप था वो मैंने चेंज करा दिया। बार बार देख देख के मैं बोर हो चुका, मैंने भी एक पहना था उसने चेंज करा दिया। एक्चुअली जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, वो आप बोल सकते हो एक हेरिटेज प्लेस है। चलो फिर आपको दिखाती हूँ। बाय द वे, अभी रोड ट्रिप एंजॉय कर रही हूँ, ऑटो वाला अच्छा लगता है, ऑटो में बैठ के हिला फिला होता है ना। वाले मॉल में आए थे हम मूवी देखने के लिए उस दिन। बाबू तबीयत कैसी है अभी तेरी? अच्छी है, ठीक हो गई। सुबह से मुंह लटका के ऐसे बैठी हुई थी, आज की दिन तबीयत क्यों खराब हुई? आज मुझे जाना है। बोल। दो बुक्स लेने जा रही। दो बुक्स? दो कहाँ से हो गया, एक था ना। नहीं, मेरे लिए भी तो लेना। देखो ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये देखो कितना बड़ा है। ये है वो फेमस हिगिन बॉटम्स। और ये रहा वो जगह जहाँ पे आने के लिए आहना इतना ज्यादा बेचैन थी। सो देखो फाइनली आनू, तुझे मैं लेके आ गई हूँ। चलो अभी अंदर चलते हैं। वाओ, बॉक्स का स्मेल कितना अच्छा लग रहा है। देख ना, एक तो घुड़े हैरी पॉटर सीरीज कौन सा नहीं है बाबू तेरे पास? कौन सा वाला नहीं है देखा? लेकिन मैं पड़ा हुआ है सारा, सारा पड़ा हुआ है। देखो बस ये दो नहीं है आना के पास। ऑनलाइन में पढ़ लिया। ना सुंदर स्मेल है ना बुक्स का, तो क्या बताऊं। हाँ तो बुक्स के दुकान में तो हो गया, बहुत टाइम तक आना ढूंढ ढूंढ के इसने अपना पसंद कर लिया है। एक और ढूंढ रही थी लेकिन वो मिला नहीं। तो एमजी रोड में अगर आ ही गए हैं, ये रहा एमजी रोड का मेट्रो स्टेशन, ये है मेट्रो स्टेशन। पहले सोचा था मेट्रो से आएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं दोपहर के टाइम पे तुम लोग ऐसे ही जाओ ऑटो से। सो सोचा था मेट्रो से एकदम चढ़ के एमजी रोड तक आना था, फिर इधर ही पास में ही है बुक शॉप तो लेना था।
मेट्रो का काम चल रहा है तो इसलिए बहुत दिनों से रोड पूरा बंद है। इट्स ओके, जितना खुला है उतना ही घूमते हैं। चलो, अच्छा लगता है मुझे ये सब। विंडो शॉपिंग करो और घूमो। आ गई कावेरी से। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है तो मैं वीडियो नहीं कर पाई। इतना अच्छा चंदन का स्मेल था ना मुझे। ये है ब्रिगेड रोड, इधर इस साइड में है ब्रिगेड रोड, उस साइड में कमर्शियल स्ट्रीट वो है, और बीच में ये है एमजी रोड। चलो एक ऑटो पकड़ते हैं। अच्छा था रेन कोट कुछ लेके नहीं आई, ऑटो में बैठ कर जुदा हो गया। थोड़ा सा कम हो गया है, हम भी आ चुके हैं घर के पास। आना भाग भाग के कहा गई पता है देखने के लिए। हाँ। ये विंडो खोल के गई थी आना। ये भी कुछ नहीं हुआ नहीं। अरे ऐसे कैसे। फाइनली बैक टू होम स्वीट होम। बाहर रहती हूँ ना और ये सब बारिश बारिश हो जाती है, बहुत टेंशन होती है। और आज ही मैंने कुछ लिया ही नहीं, दूसरे दिन मैं अम्ब्रेला रेनकोट सब लेके जाती हूँ, इस बार कुछ लेके नहीं गई। और वो कावेरी वाला स्टोर मैं आपको दिखा नहीं था तो वीडियोस अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। वो एलिमेंट का एक दुकान है कावेरी शोरूम, वहाँ पे ना सैंडलवुड का सब कुछ मिलता है। बड़े बड़े मूर्ति से लेके भगवान का जो मंदिर है वो सब अंदर बना हुआ है, पालने से लेके एवरीथिंग। एंड अंदर जाते ही इतना सुंदर सैंडल का स्मेल है ना, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा। वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, छोटी छोटी चीज़ ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें मिलता है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई। एक क्या निकलेगा इधर से गेस करो। चलो पता नहीं आप लोग क्या क्या सोच रहे हो। आ देती हूँ ये देखो, देखती हूँ आज ही इवनिंग को मैं जलाऊंगी। और ये अनु का बुक, और बुक्स ढूंढ रही थी उधर बट उसको मिला नहीं। उसने बोला चलो ठीक है मम्मी ऑनलाइन ले लेंगे। कावेरी से ये छोटू सा चीज मैंने लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आउल है छोटू सा वुडन, ये सीडर वुड का है। हाँ सीडर वुड का, स्मेल वेल नहीं है इसमें। देखो अगर ऐसे गवर्नमेंट का दुकान है ना तो ऐसे छोटा सा ऐसे कावेरी का इधर सिंबल लगा हुआ रहता है। सो एक आउल लिया है, दो लेना था, एक ही बचा हुआ था सिंगल पीस, तो मैं एक ही लेके आया। इसका स्मेल कैसा है मुझे नहीं पता, मैंने बोला है अगर अच्छा लगता है तो ऑनलाइन मंगवा लूंगी। उन्होंने बोला है ऐसे डिलीवरी कर देते हैं, होम डिलीवरी। इतना ही और कुछ नहीं। बीच रास्ते में इतनी बारिश हो गई कि फंस गई मैं। देखती हूँ आना क्या कर रही है। थोड़ा सा पानी पीती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। फ्रेश होके ही मैंने सोचा कि पहले आपको दिखा दूँ दो चीज़ है। ए क्या कर रही है, छुपी छुपाई। हाँ तेरे पेट में दर्द था ना सुबह, बैठ के चौकूस खा रही है। कुछ खाया नहीं है। कुछ खाया नहीं है तो मुरमुरा खा आज। आज पूरा दिन मुरमुरा के ऊपर रहे तो। आप लोगों के लिए एक फ्रेंड लेके आई हूँ मैं। ये दो, दो से भले तीन रहो, बाद में कल सजा दूंगी अक्ता माचे से। ओके रहो इधर। क्या आराम की जिंदगी है ना मनु। उल्टी आ रही थी इसलिए बैठ के वो पेपर पिक देख रही थी ताकि उसको अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने बोला आज जब तू ठीक ही हो गई है अभी जाके पढ़ाई करने बैठनी है। अभी मैं जाऊंगी संध्या आरती करूंगी, फिर उसके बाद आज सबसे बड़ी बात है घर को थोड़ा सा रेडी करूंगी। रत्ना बर्तन धो के गई है, वो सब अभी मैंने उठाया नहीं है, सो वो सब करूंगी, फिर उसके बाद आरती करूंगी, फिर इवनिंग में आके आपसे मिलूंगी। ओके हेलो, जस्ट अभी संध्या आरती की है। अंधेरा अंधेरा तो नहीं लग रहा है? ये देखो ये वाला लाइट ऑन किया है मैंने, घर में इतने सारे लाइट्स हैं फिर भी मुझे ये वाला लाइट बहुत पसंद है। ये हम लोगों ने खरीदा था उधर उस घर में, बहुत पसंद करके कुछ पॉइंट्स जमा हुआ था हमारा, उसी से खरीदा था इसको, और मुझे बहुत पसंद है। कुछ कुछ चीज़ होता है ना जो मुझे पसंद होता है मैं एकदम छोड़ना नहीं चाहती, चाहे जितना भी लाइट वो लगा ले मुझे यही पसंद है। तो चलो जो बात मैं बोल रही थी, मैं जाऊँगी भिंडी लाने, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आज रात को बनाऊँगी भिंडी। भिंडी बनाने का मन हो गया है तो भिंडी रोटी ये सब बनेगा, और साथ में कुछ छोटा मोटा चीज़ भी लेके आऊँगी। आके मिलती हूँ। ओके
और वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, भगवान के लिए लेके आई हूँ तो दाम वाम बताना नहीं चाहिए। मेरी मम्मी बोलती है भगवान के लिए जो भी सामान खरीदना होता है वो उसका दाम डायरी में लिखा मत कर, मतलब प्राइस लिखा मत कर कितना खर्चा हुआ। ठीक है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, वो जो अगरबत्ती का पैकेट मैं लेके आई थी वो 181 रुपीज़ का है। बहुत ही डर डर के मैं लेके आई थी कि पता नहीं घर पे आके जलाऊंगी तो स्मेल अच्छा नहीं आएगा तो पूरा पैसा नुकसान, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा स्मेल है सच में। इतना ज़्यादा कॉस्टली इसमें तो हमारा 4-5 अगरबत्ती का पैकेट आ जाता, अच्छा अच्छा लेकिन फिर भी इसका जो स्मेल है ना एकदम चंदन का स्मेल है, पूरे घर में धीमी धीमी चंदन का स्मेल है। बहुत सारे और भी फ्लेवर्स के थे लाइक रोज़, मोगरा, जैस्मिन, लेकिन मुझे प्रॉपर सैंडल चाहिए था तो बहुत अच्छा है। अगरबत्ती छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखना है कितना टाइम तक जलता है। एक एक अगरबत्ती होता है ना एक डेढ़ घंटा तक जलता रहता है। तो ड्राइंग कर रही है, ठीक है मैं आती हूँ मार्केट से, डोर बंद कर दे। ये देखो मेरी ना एक गंदी आदत है, लेने जाती हूँ एक लेके आती हूँ अनेक। ये देखो मैं क्या लेने गई थी, भिंडी, और इधर मुझे लगा अच्छा थोड़ा जिंजर ले लेती हूँ, थोड़ा आरबी, थोड़ा सा करेला, एक गाजर, मतलब उठा के लेके आ गई। एक चीज़ मुझे लाना अच्छा नहीं लगता। इधर देखो लेने गई थी सूजी और लेके आई हूँ कितना कुछ। ऐसा ही करती हूँ मैं यार, उनको पता है, हमेशा बोलते हैं क्या क्या लेके आना है, पूछते हैं और पूछ के ना इंतज़ार करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं लिस्ट थमाती जाती। तो अभी मैं खाऊंगी थोड़ा सा मुरमुरा, ठीक है, उसके लिए मैं वो सेव है ना हल्दीराम का वो लेके आई हूँ, अभी उसके साथ कच्चा तेल के साथ थोड़ा सा मुरमुरा खाती हूँ, उसके बाद ना खाना वाना बनाऊंगी और एक चीज़ बनाऊंगी आज आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। भिंडी को मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है, धो के अच्छे से अभी कढ़ाई में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, मोस्ट गर्म हो चुका है मस्टर्ड ऑयल, इलायची डाल दिया, सूखी लाल मिर्च दूंगी, भिंडी, इधर बन रहा है भिंडी और उस साइड में मैं बनाऊंगी मैंगो मिल्क शेक। आना को नहीं बताऊंगी, उनको भी नहीं पता है, बना के उनको रात में मैं दूंगी सरप्राइज। गर्मी का सीजन तो शुरू हो गया, इस साल पहली बार बना रही हूँ, ओके सो देखते रहो रेसिपी। ये भिंडी ऑलमोस्ट हो चुका के साथ मैं मिक्स करूँगी, मेरे पास थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट है ये, और मेरे पास है खसखस का पेस्ट, ये देखो इसे मिक्स कर देंगे। खसखस अगर थोड़ा सा ज़्यादा करके देखो दोगे ना तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, थोड़ा सा और पानी के साथ मिक्स करके ढक के सूखा होने देना है बस। और यहाँ पे देखो आम को मैंने कर लिया है पीस, और ये जो गुठलियाँ है ना आप वो काटने कूटने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हाथ से ऐसे मसल के आप यूज़ कर सकते हो। चलो लगेगा दूध और यहाँ पे है चीनी बस। मैं एक्चुअली दूध मेजर कर रही थी तो इसलिए यहाँ पे दूध रह गया है, क्यों कर रही थी वो मैं आपको कुछ देर बाद बताती हूँ। ओके डाल दूँगी मैंगोस, यहाँ पे चीनी, आम कितना मीठा है उसी के हिसाब से चीनी डालना है, और यहाँ पे पहला पोर्शन मैं डालूंगी दूध का थोड़ा सा, ओके ताकि ठीक पहले बन जाए। देखते हैं चलो, ये देखो एकदम देखा ऐसा ठीक ही ग्रेवी टाइप हो गया है। इस बार मैं मिलाऊंगी अच्छे से दूध, और थोड़ा सा पतला चाहते हो और थोड़ा सा दूध यहाँ पे मिला सकते हो, ठीक है मैं थोड़ा सा और मिलाऊंगी। और ये जो गुठली था ना उससे मैं ऐसे इसका रस निकाल रही हूँ, थोड़ा सा और चीनी मैं यहाँ पे मिलाऊंगी मुझे लग रहा है। यहाँ पे भिंडी बिल्कुल बन चुकी है फ्राई ड्राई, सूखा सूखा ही अच्छा लगेगा रोटी के साथ, तो मैं सूखा सूखा बना रही हूँ। ट्विस्ट
जिसके लिए मैंने बोला था मैं मेजर टेली हूँ। एकदम बिल्कुल घर पे बना हुआ रेस्टोरेंट स्टाइल मैंगो मिल्क शेक, कैसा लगा? एक एक करके डायरेक्ट जाएगा फ्रिज के अंदर। ओके, तो कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करती हूँ आप ट्राई करोगे। दो दो रेसिपी एक ही साथ दिखा दिया मैंने। सो अभी मेरा कुछ छोटा मोटा काम है, लाइक मैं आटा गूंदूंगी और अपने थोड़ा सा स्किन केयर करूंगी। देखो शक्ल पूरा बिगड़ गया है। तो आपसे मिलूंगी मैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहना, हैप्पी रहना, अपने आप को सेफ रखना। मैं बेहद इंतज़ार कर रही हूँ कब रात होगी और वो लोग ये सब ट्राई करेंगे। सो चलो फिर, टाटा बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।